मंगल भवनिया मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग बोल रहे हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संहिता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति, ताली के साथ में थोड़ा थोड़ा जग जाओ, इसको कम करो, सिटी आ रही है। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई हो, प्राण जाई पद हो, प्राण जाई पद तो बोलो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सखी उलझन मिटवाओ भगवन, सबकी उलझन मिटवाओ भगवन, तुमरे बिन अमरा कोनु नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन अमरा कोनु नहीं, तुमरे बिन अमरा कोनु नहीं। सब ग्रंथन गावा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम। क्या बात है, सुन रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखो है कहीं कि सकल पदार्थ है जग माही, इस धरती पर सब कुछ है, सब कुछ, क्योंकि जिस दुनिया को हमने देखा नहीं है उसकी हम बात कर नहीं सकते, लेकिन आप और हम जो जो देखते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि इस दुनिया में सब कुछ है, पाप धर्म सत्य असत्य जीव जंतु प्राणी वनस्पति जल थल, ये सब कुछ इस धरती पर है, बस भाग्य की बात है कि किस्मत में होता है उसको मिल जाता है, जिसके किस्मत में नहीं होता उसको नहीं मिलता। तो सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन हो कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। और मैं समझता हूं कि यहां तो सब भाग्य वाले लोग बैठे, कोई भी कर्महीन नहीं बैठा है, क्योंकि जब सत्संग में आ गए हो तो भाग्यशाली हो, इसीलिए आए हो। मैं चाहता हूं पीपली की इस धन्य धरा पर जितने भी आसपास के लोग भी पधारे हैं, एक बार सिर्फ भगवान का गुणगान मेरे साथ में गा ले, यदि भगवान बुलवावे तो गा लेना, और यदि भगवान जबान चुप रख ले आपकी तो वो भगवान की मर्जी है कि आप होते हुए भी नहीं बोल सकते, क्यों राव साहब? तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार अपने हाथों को भगवान के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में खड़ा कर दीजिएगा, कोई भी आलस मत कीजिएगा, ताली बजाते बोलिएगा, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, कमजोर है, राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम से बड़ा राम का नाम, ¡Gracias!
का नाम, राम से बड़ा राम को कभी लांग सके ना राम, बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके ना राम। लिखा बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके ना राम। जब तक हनुमान जी महाराज की वानर सेना ने जब तक पुल नहीं बनाया, उससे पहले भगवान लंका नहीं गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके ना राम, लेकिन लांग गए हनुमान उसी को। हनुमान उसी को लांग गए, हनुमान उसी को, अरे लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम से बड़ा। माता मैंने बोलो राम से बड़ा अंतिम यही आएगा तेरे काम, अंतिम यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का शहरीर जवानों का है, बेलों का मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का है, बेलों का मस्तानों का, इस देश यादों का गहना, ये देश दुनिया का गहना, जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। हमने पत्थरों को समुद्र की छाती पर तैराया। विश्व में कोई भी विज्ञान इस बात को नहीं मानता कि पत्थर कभी पानी में तैरेगा। पत्थर पानी में नहीं तैरता, वो डूब जाता है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री राम की वानर सेना ने, हनुमान जी की वानर सेना ने जब काम शुरू किया तो एक एक ईंट पर लिखा राम, और उस ईंट को फेंका तो वो पत्थर सारे तैरने लग गए। आज तक भी तैर रहे हैं। आपको देखने क्या, मैं आपको एड्रेस बताता हूं कितने लोगों को देखना है। धन्यवाद। अब अपने काम करो। आपके पास में, सबके पास में एंड्रॉइड फोन है आजकल, तो स्क्रीन पर दिखने वाले फोन है। आप उसमें एक एप्लीकेशन है मैप, गूगल मैप, या तो www.googlemap खोल देना या गूगल अर्थ खोल देना,
या अपना आपके मोबाइल में जो ऐप है जिसपे मैप लिखा वो खोल के देखना, उसमें सैटेलाइट का ऑप्शन देखना, तो उसमें आपको पूरी पृथ्वी दिखाई देगी। मैं जो कह रहा हूं आप वो कल ही करके देख लेना, अभी करके देख लेना। हिंदुस्तान का अंतिम जो किनारा है वो किनारा है रामेश्वरम धाम जहां पर है, उसके बाद में समुद्र शुरू होता है दक्षिण में। तो आप जब भारत के अंतिम छोर पर जाएंगे और वहां से जब श्रीलंका और भारत के बीच में आप समुद्र में जब झूम करके देखेंगे तो उस नीले रंग के पानी में एक सफेद रंग की लकीर आपको भारत से लगाकर लंका तक ऐसे उस समुद्र में दिखाई देगी। मित्रों वो कहीं पर भी टूटी हुई नहीं, वो लकीर पूरी पूरी भारत से लगाकर लंका तक सीधी सीधी बनी हुई है। आप उसको खोल के देखिएगा, वो राम सेतु जो करोड़ों साल पहले बना वो आज भी, वो पत्थर आज भी पानी में तैर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का प्रमाण है कि हम कितने पुराने लोग, और इसीलिए वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अरे वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिन पे लिखा है राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। चैन सुख जी अभी देखने लगे, देख लिया मैं। सारे गमा मादा, सारे गमा मादा।